हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कि बचपन से जो है बच्चे इसका यूज़ करते हैं, इसके बारे में क्यूरियोसिटी रहती है। और इसको जो है आप अपने आप DIY भी इसको बना सकते हैं। इसको कैसे बनाना है उसको भी मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। तो बचपन में मुझे भी होका यंत्र इसको बोलते हैं या तो कंपास बोलते हैं, इसकी बहुत ही इच्छा थी कि भाई मेरे पेरेंट्स इसको जो है मुझे लेके दें, क्योंकि हम ये सब चीज़ों को जब पढ़ाई में हमारे आता है तब हमको क्यूरियोसिटी रहती है कि ये कैसे कैसा होगा, कैसे काम करेगा। क्योंकि स्कूल्स में जो है, सभी स्कूल्स में ये सब डिवाइसेस जो है अवेलेबल होते नहीं है। तो हमको जो है अगर इसको देखना है, इसका जो है यूज़ करना है, तो खुद से ही परचेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर लोकल मार्केट में ये 60 रुपीज़ का मिलता है। ऑनलाइन में भी थोड़ा सा महंगा हो सकता है, उसकी बेस्ट पाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इससे जो है बेसिकली आप जो है दिशा को जान सकते हैं कि आप कौन सी दिशा में हैं और कौन सी दिशा में आपको जाना है, उसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं होका यंत्र के बारे में। तो पहले के समय में जो है यहाँ पे नाविक रहते थे, जो समुंदर में जाते थे, तो वो लोग इसका बहुत यूज़ करते थे। साथ ही साथ जो लोग जंगल के रास्ते से जो है अपना माल सामान लेके जो है जाते थे, तो वो लोग भी इसका यूज़ करते थे। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, चारों तरफ पानी पानी है, तो कैसे आप जो है एक राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसी रीज़न से जो है होका यंत्र का यूज़ होता था। अब तो वैसे इतना इसका यूज़ यहाँ पे रहा नहीं है, बट फिर भी जो है क्योंकि गूगल मैप आ गया है, GPS डिवाइसेस आ गए हैं, तो उसके रीज़न से जो है कंपेरेटिवली इसकी ज़रूरत जो है कम हो गई है। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और इस तरीके का जो होका यंत्र आता है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी में होता है, तो उससे आपको मतलब बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसको बच्चों को जो है उनके बर्थडे पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मस्त ये होका यंत्र है। तो इसको जो है इस तरीके से स्टेबल रखना होता है, ओके। और जनरली जो है लाल वाला जो सुई का पार्ट है उसको नॉर्थ में रखना होता है, और बाद में जो है आपको आपकी आप कौन सी दिशा में खड़े हैं उसको आपको मेजर करना होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो साइड है तो ये नॉर्थ साइड है, तो ये सही है, और ईस्ट जो है सामने है और वेस्ट जो है पीछे है। तो जनरली जो है ईस्ट में से सूरज उगता है, वेस्ट में जो है सनसेट होता है। तो एक्चुअल में ये सही दिखा रहा है, अभी शाम का समय है, तो वेस्ट साइड जो है पीछे की साइड है मेरी, वहाँ पे ही जो है सनसेट होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, और ईस्ट साइड जो है वहाँ से ही जो है सन जो है राइज होता है। तो ये एक्चुअल में सही काम कर रहा है। इससे को आपको कई बार मेज़र भी करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इंडिया में नहीं बनता है। तो कई बार क्या होता है कि फॉल्टी भी होता है, बट बेसिक फंडा है, इसमें कोई हाईफाई इतना वो नहीं है। तो इसको आप DIY कैसे घर पे बना सकते हैं कि आप जो है कोई भी एक सुई ले लें, सुई मतलब नीडल होता है, उसको आप ले लें और उसको जो है मैग्नीफाई कर दें। कोई भी आपके पास मैग्नेट है उसके ऊपर आप उसको चिपका करके थोड़ी देर के लिए, तो वो मैग्नीफाई हो जाएगा। फिर आप क्या करें, कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें उस सुई को रख दीजिए। बहुत ही लाइट वेट जो सुई आती है उसको उसका यूज़ करें, नहीं तो पानी में जो है अंदर डूब जाएगी। तो वो सुई जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मतलब नॉर्थ साउथ वाला जो डायरेक्शन है उसमें स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो आपने उसको मैग्नेटाइज कर दिया है। और मैग्नेट होता है उसमें दो सिरे होते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ, तो उसी रीज़न से जो है मतलब ये वाली जो सुई है वो भी मैग्नेटाइज की हुई है, और इसको एक धरी के ऊपर जो है बैलेंस करके रख दिया है, इसीलिए ये हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है आके खड़ी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं उस हिसाब से। और बाकी यहाँ पे जो है अलग अलग डायरेक्शंस जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कितना एंगल है, क्या है। तो जनरली खोजी लोग होते हैं उसको ये सभी चीज़ें जो है ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट जो है यूज़फुल लगा होगा। बचपन में आपने इसके लिए मतलब अपने पेरेंट्स से मांगा था कि नहीं मांगा था, वो भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। मैंने तो ये मतलब बहुत बार मांगा था, बट एक्चुअल में महंगा आता था, अब तो सस्ता हो गया है, बट फिर भी पेरेंट्स जो है इसका मिनिमम यूज़ होता है, इसलिए सबको ये खरीद के नहीं देते। और मोबाइल में भी आता है तो थोड़े दिनों के लिए खेलने के लिए मोबाइल में इसकी ऐप इंस्टॉल करके दे देते हैं पेरेंट्स आज के समय में। बट ये एकदम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, एकदम हैवी है, तो इसको जो है यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इसकी बेस्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और कौन कौन से साइंटिफिक गैजेट्स जो है बचपन में आपने पढ़ाई के समय में जो है आपको इच्छा हो गई थी, जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, या तो फिर बारिश का पानी जो मेज़र करने का डिवाइस आता है वो हो गया, कैलिडोस्कोप हो गया, प्रोजेक्टर, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, प्रिज्म आपको लेने की इच्छा हो गई, तो प्रिज्म भी वैसे एक्सपेंसिव चीज़ है,
तो ये मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको इच्छा हुई थी कि आप बचपन में लें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।